डियर लर्नर्स, आज हम इस स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है, जो लेसन है, वो है विलयन, दैट इज सॉल्यूशन। इसमें आज हम चर्चा करेंगे विलयन एवं उसके प्रकार। देखिए, विलयन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण एक भाग होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो एक बात हुई समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। क्या मतलब होता है समांगी का? समांगी का मतलब होता है उसमें से यदि कोई भाग स्पेसिमेन लिया जाए तो उसके सारे भाग, सारे अवयव एक जैसे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं समांगी। तो समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण, समांग मिश्रण जिसके अवयव पदार्थों की सापेक्ष मात्राएं एक सीमा तक परिवर्तित की जा सकती है। माने हम विलेय विलायक का अनुपात जो है वो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है विलयन। तो अब दो बातें, एक तो समांगी, क्या होता है समांगी, ये बात है, और दूसरी बात है विलेय और विलायक। विलेय क्या है, विलायक क्या है? देखिए, भौतिक रूप में विलायक अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा इसे तो विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है इसे विलेय कहते हैं। तो विलेय और विलायक में ये अंतर है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। अभी हम देखते हैं यहां पर कि देखिए समांगी का क्या मतलब है और विषमांगी का क्या मतलब है। देखिए, ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि ये हमारा जल है जो सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो ये हमने ले लिया है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जल है, यहां तक ये जल है। अब इसमें हम जरा चौका टुकड़ा डालते हैं। तो चौका टुकड़ा जब हम इसमें डालते हैं तो देखिए ये जो है ये नीचे बैठ गया है, कुछ घोल देते हैं फिर भी नीचे बैठ जाता है, समांगी नहीं है, माने कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इस तरह से ये जो विलयन है ये विषमांगी है, इसलिए इसको हम विलयन नहीं कह सकते, इसको हम विलयन नहीं कह सकते, इसको हम निलंबन कहें, सस्पेंशन कहें, ठीक है। और दूसरा आप देखिए समांगी का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि समांगी का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बीकर है, इसमें हम ये विलायक ले लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है विलायक है, जल है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दे रहा हूं, तो आपको पता लगेगा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो है वो किस तरह से समान रूप से घुल जाते हैं। और फिर आपको प्रत्येक ऐसी स्पेसिमेन, देखिए ये हमारा विलायक है और इसमें हम ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि ये देखिए गुलाबी जैसा हो गया है। तो अब इसको घुल देते हैं तो एक जैसा विलयन कुछ समय पश्चात। अब देखिए आप इसमें से विलेय और विलायक को साधारणतः अलग नहीं कर सकते, इसे साधारणतः आप अलग नहीं कर सकते, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये क्या हुआ,
ये हमारा समांगी है। अब इसमें से कोई भी स्पेसिमेन ले, कोई भी इसकी बांगी ले, तो उसका प्रत्येक घटक, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो चाहे वो जल, वो समान अनुपात में होंगे। समान अनुपात का मतलब अनुपात भले ही अलग अलग हो लेकिन एक जैसा जहां से, तो ये समांगी। अब मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए बहुत थोड़े से क्रिस्टल हमने इसमें लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, तो जैसे विलयन में मैंने कहा कि विलयन बहुत थोड़ी मात्रा में मैंने यहाँ लिया है, तो जो थोड़ी मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और उनको मिलाने से जो बनता है वो हमारा विलयन बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारा विलयन बन गया है। अब हम आपको एक बात और बता दें कि विलयन इस आधार, देखिए यहां पर अब दो भाग हैं हमारे इसमें, पहला भाग है विलेय या विलायक। तो अब यदि ये दो भाग मिल रहे हैं, मानो एक विलयन विलेय प्लस एक विलायक, ये कितने हुए, ये कुल मिलाकर के दो हुए, तो इसको हम कहेंगे वायनरी, सॉरी द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ये हमारा विलयन कैसा होगा, क्योंकि इसमें दो अंग हैं, एक विलेय का भाग है एक विलायक का भाग है, इसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। यदि मान लीजिए यहां दो प्रकार, अब जैसे मान लीजिए एक भाग अब और दो विलेय, चलिए यहां लिख देता हूं, मान लीजिए जैसे चीनी है प्लस नमक है, ये दोनों क्या है, विलेय है, माने दो भाग हुए ये, और इसमें एक मिलाया मैंने, हमने मिलाया, यदि आप काउंटिंग करेंगे इसकी एक दो तीन, इसके अवयव हुए तीन, तो ये कैसा विलयन होगा, त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन, इसे हम टर्नरी विलयन भी कहते हैं, इसे हम टर्नरी विलयन भी कहते हैं। अब चार अंग हो तो उसको हम क्वार्टरनरी विलयन भी कहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। और यदि ये चार भाग हैं, हो सकता है विलायक दो प्रकार दो चीजों का मिला हुआ हो, अब ये चार हो जाए तो फिर उसको हम क्वार्टरनरी विलयन कहेंगे। लेकिन जिस समय पर कोई विलेय जल में घोला जाता है और जल विलायक का काम करता है, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहते हैं, तब हमको उसको एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहते हैं। अब देखिए ये विलयन जो बनाते हैं, ये विलयन तीन प्रकार से बनते हैं। पहला है हमारा असंतृप्त विलयन, पहला है हमारा असंतृप्त विलयन, अ विलयन, ये मैं अभी दिखाता हूं आपको असंतृप्त विलयन। दूसरा विलयन होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और तीसरा है अतिसंतृप्त विलयन। तो ये हमारा तीसरा क्या हुआ, अतिसंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलायक होता है और उसमें विलेय यदि हम डालते हैं थोड़ा सा तो वो घुल जाता है, और फिर विलेय और डालें तो वो भी घुल जाएगा, माने कि उसमें और विलेय घुलने की गुंजाइश हो, तो ऐसा विलयन हमारा असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए ये जल हमारा विलायक है, ये हमने ले लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से
कि ये जल है। अब इसमें हम थोड़ी सी मात्रा नमक की डालते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये नमक की मात्रा इसमें पूरी है। देखिए ये मैं नमक की मात्रा डाल रहा हूँ, शायद आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये मैं नमक की मात्रा डालने देगा। अब जब हम इसको घोल रहे हैं तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए बिल्कुल घुल गया है इसमें नमक, और अभी इसमें और भी नमक घुल सकता है। तो ये हमारी कैसी मात्रा है, ये हमारा विलयन कैसा है आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए वो इसमें सारा घुल गया है और ये असंतृप्त विलयन है क्योंकि जल इसमें विलायक है और नमक इसमें क्या हुआ, विलय हुआ, क्योंकि नमक की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा अधिक। अब मैं इसमें और भी नमक मिला रहा हूँ, तब आप देखिएगा कि जब हम इसमें मिलाते चले जाएं विलेय को विलायक में, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय इसमें घुलना बंद कर देगा और वो नीचे यहाँ तली पर बैठना शुरू कर देगा। तो वो स्थिति हमारी कैसी होगी, तब ये विलयन हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि जिसमें और विलेय डालने पर वो न घुलता हो, ठीक है, तो वहां पर हमारी वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखिए मैं इसमें और डाल रहा हूं, अब कितनी मात्रा में ये घुल पाता है ये अब देखना है। तो ये आप थोड़ा सा और देखिए, देख थोड़ा सा नमक मैं और डाल रहा हूँ इसमें और ये भी मैं घुल रहा हूँ। यदि ये घुल जाता है तो हम समझेंगे कि अभी इसमें और भी घुलने की गुंजाइश है। मैं आपको देखिए ये भी इसमें घुल गया, ठीक है, इसका मतलब ये अभी भी असंतृप्त है, संतृप्त नहीं हुआ है। अब इसमें और डाल, अब देखिए मैंने इसमें और कुछ अधिक मात्रा डाल दी, अब इसको खूब अच्छी तरह से घोल रहा हूँ। ये भी घुल चुका है, अब और अधिक डाल के देखते हैं। अब इसका मतलब है कि ये अभी भी संतृप्त नहीं हुआ है, तो अब इसमें और डालते हैं फिर पता लगेगा कि घुल रहा है। अब मैं थोड़ी सी ज्यादा मात्रा डाल रहा हूँ, तब देखते हैं ये घुल रहा है। अब देखिए इसे हम घुल रहे हैं इस तरह से, तो ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा। अब देखिए ये कठिनाई से घुल रहा है, थोड़ा सा नीचे बन गया है, बैठ गया है, और देखते हैं प्रयास करके क्या घुल पा रहा है कि नहीं। ये भी लगभग घुल गया है, तो इसका मतलब अभी कसर है। अब इसमें और डाल के देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिर नीचे बैठ जाएगा। देखिए ये मैंने और डाल दिया है, अब ये नहीं घुल रहा, मैं घुल रहा हूँ तो नीचे बैठ रहा, दिखाई दे रहा होगा पहने पर, और पहने पर दिखाई दे रहा होगा कि ये नीचे बैठने लगा है, बैठने लगा है, नहीं घुल पा रहा। और डाल के दिखाता हूँ और दिखाई दे जाएगा स्पष्ट। देखिए अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये नीचे बैठने लगा, ये नहीं घुल पा रहा। तो ये अब विलयन कैसा हुआ हमारा, ये हमारा संतृप्त विलयन हुआ, क्योंकि अब इसमें हम और विलेय डालते हैं तो ये विलायक उसको नहीं घुल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा संतृप्त विलयन बन गया। अब एक तीसरा प्रकार और है हमारा, जिसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन ये है कि यदि इसको मैं गर्म करूं तो ये भी इसमें घुल जाएगा। तब जो साधारण ताप पर हमारी जो घुलने की गुंजाइश है उससे भी ज्यादा हम भौतिक विधियों का उपयोग करके, जिसमें खास तौर से हम ताप का उपयोग करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो और ज्यादा घुल लेता है और तब उस विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए बाइनरी विलयन की जहां तक बात है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अब जैसे मान लीजिए ये हमारा विलायक है और इस विलायक में अब ये थोड़े से मैं चीनी के क्रिस्टल डाल दिया। देखिए ये थोड़े से चीनी के क्रिस्टल है, अब इसमें चीनी के क्रिस्टल पड़ गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये चीनी के क्रिस्टल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको मैं घोल दिया तो ये कैसा हुआ, द्विअंगी विलयन हुआ।
क्योंकि इसमें चीनी को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक पदार्थ इसमें चीनी हुआ जो विलेय के रूप में है, दूसरा पदार्थ हमारा क्या हुआ, दूसरा पदार्थ हमारा हुआ पानी जो कि विलायक के रूप में है। तो अब ये कैसा मिलियन बना हमारा, बाइनरी मिलियन बना। अब इसमें थोड़ी सी यदि हम ये नमक और डाल देते हैं, ये थोड़ा सा हम नमक मिटा होता है, अब ये हमने नमक मिटा दिया, अब इसको बोल दिया, अब इसमें दो चीज भूल गई, विलेय कौन हुए, एक चीनी हो गया और एक नमक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें चीनी और नमक दोनों भूल चुके हैं, तो ये कैसा होगा, टर्नरी विलयन होगा। लेकिन यदि इसमें कोई एक तीसरा पदार्थ और भी डाल दें, जैसे कि मान लीजिए हमारा पैसिव परमैंगनेट है या पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, तो वो भी इसमें घुल जाएगा, तो वो क्या होगा, वो क्वार्डिनरी विलयन। देखिए ये एक तो क्रिस्टल में इसमें इसके भी डाल ही देगा, देखिए आपको दिखाई दे जाएगा विलयन, है ना। अब ये भी घुल चुका है इसमें और इसने रंग परिवर्तन कर दिया है और ये बिल्कुल बैठा नहीं है नीचे, ठीक है। तो अब ये क्या है हुआ, ये हमारा क्वार्डिनरी विलयन हो गया, माने कि इसमें तीन विलेय और एक विलायक जल का उपयोग होता है। अब क्योंकि जल हमने इसमें उपयोग किया है, तो इसे हम एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे विलयन होते हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपकी बात समझ में मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि विलयनों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए इसमें विलयनों के प्रकारों का जहां तक मामला है, वो विलयनों के प्रकार है, वो विलयनों के प्रकार विलायक और विलेय पर निर्भर करते हैं। तो पहला विलायक है जब विलायक के रूप में गैस ली है, माने गैस हमारे पास ज्यादा है और उसमें हमने गैस में क्या मिलाया हो, गैस को मिलाया हो, तो वो समांगी मिश्रण बनता है। तो ये एक प्रकार है जैसे वायु या अन्य गैसों का मिश्रण, ठीक है। तो ये समांगी मिश्रण है, ये गैस का गैस में विलयन बन गया। अब इसमें गैस ही विलयन है, गैस ही विलायक है और द्रव इसमें विलेय है, तो वो भी समांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए जब क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन घोली जाती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म द्रव है, ये विलेय है और नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म घोला जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा विलयन बन जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा द्रव गैस विलेय। अब तीसरा है विलेय विलायक के रूप में हमारा गैस है और ठोस उसमें विलेय है। अब जैसे कपूर ठोस है, इस कपूर ठोस को हमने नाइट्रोजन गैस में घोला और जब ये गैस में घुलता है तो ये भी हमारा कैसा विलयन बनता है, ये समांगी विलयन बन जाता है। तो ये एक उदाहरण है। तो ये कैसे विलयन हुए, तीन प्रकार कि जहां विलायक गैस है और विलेय ये गैस द्रव और ठोस, तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के बाइनरी विलयन बने। अब यहां ज्यादातर हम इस चैप्टर में द्विअंगी विलयनों की ही चर्चा करेंगे, माने बाइनरी विलयनों की ही चर्चा करेंगे। अब देखिए तीसरा ये है कि द्रव हमारा विलायक के रूप में, ये खासतौर से आप प्रयोग करते ही रहते हैं, जैसे जल में चीनी का विलयन, तो यहां विलायक हम ले रहे हैं द्रव को और उसमें विलेय यदि गैस हो तो कैसा होता है। अब जैसे जल में ऑक्सीजन घुली हुई है तो ये क्या हुआ, हमारा विलयन बन गया। दूसरा द्रव में द्रव मिला दें, जैसे जल में हम एल्कोहल को डाल दें तो वो विलयन हमारा बन जाएगा, एल्कोहल जल में घुल जाता है तो ये समांगी मिश्रण बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये भी हमारा क्या हुआ, विलयन हुआ। अब द्रव में ठोस को जैसे चीनी का जल में मिश्रण, तो ये भी समांगी विलयन मिश्रण होता है। और तो तीन प्रकार ये हुए हमारे विलयन के। अब चौथा प्रकार है कि यहां विलायक हमारा जो है ठोस विलयन,
तो ठोस विलायक के रूप में हो और उसमें विलेय गैस हो। अब जैसे पहले नियम में हमने हाइड्रोजन को अधिशोषित कर, तो ये विलयन कैसा हुआ, ये विलयन गैस का ठोस में है। इसी तरह से द्रव का ठोस में विलयन, जैसे सोडियम है, सोडियम में मरकरी हम डाल दें तो इसको ये विलयन हमारा समांगी विलयन बन जाएगा। साधारणतः इसको हम अमलगम कहते हैं जब मरकरी में कोई धातु घुलती है। अब तीसरा है हमारा जिसमें ठोस में ठोस। अब जैसे सोना है, सोने में थोड़ी सी मात्रा हम कॉपर की मिला देते हैं तो यद्यपि कि इसको मिश्र धातु कहते हैं लेकिन ये कैसा विलयन है कि समांगी विलयन होता है, इसलिए ये भी हमारा विलयन के रूप में कहलाता है। इस तरह से यदि हम इसको बांटते हैं तो विलायक और विलेय के आधार पर ये 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। गैस विलायक हो तब 3 प्रकार, जब द्रव विलायक हो तब 3 प्रकार, जब ठोस विलायक हो तब 3 प्रकार। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। अब देखिए इसमें साधारणतः बात ये है, प्रायः क्या मिलता है कि ठोस और गैस का जब हम विलयन बना रहे हैं तो उस समय पर ठोस में गैस जब मिलाते हैं तो ये लगभग कॉलोनी अवस्था प्राप्त होती है अधिकांश रूप से। ऐसे ही द्रव ठोस और द्रव गैस, ये तीनों तंत्र प्रायः कोलोइडी मिलते हैं, कोलोइडी अवस्था में मिलते हैं और हमारे वास्तविक विलयन के रूप में ये बहुत कम मिलते हैं। प्रकार आपने समझ लिया, विलयन क्या होता है ये आपने समझ लिया, तो अब इसके आगे की जो चर्चा होगी वो होगी विलयनों की सांद्रता किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, विलयन किस प्रकार के सांद्रण में होते हैं, वो सभी हम चर्चा इसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।